तो कैसा लग रहा है सोच के कि अब आपका एक नया YouTube चैनल बनेगा? देखिए, अगर आपका कोई YouTube चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि उसके बावजूद आप इस वीडियो को देखें, क्या पता आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप इससे नया ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने YouTube पे ट्रेन किया है और मेरे इस सेशन से उनको सोचने के लिए नए आयाम मिले हैं। ठीक है, अब इससे पहले कि हम नए YouTube चैनल के बारे में बात करें, हम बात करते हैं YouTube चैनल के नाम के बारे में। ठीक है, देखिए, आपके YouTube चैनल का नाम क्या हो, इसके आधार पे जो YouTube चैनल की आगे लाइफ है ना, जो उसका लाइफ साइकिल है, उसमें होने वाले कई सारे इवेंट्स जो होते हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब इससे पहले कि हम YouTube चैनल के नाम के पैरामीटर्स को देखें, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपना YouTube चैनल क्या खुद का या अपने बिजनेस का ब्रांड एलिवेट करने के लिए, ब्रांड बिल्ड करने के लिए बना रहे हैं, या फिर आपका YouTube चैनल जो है वो किसी एक सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ने वाला है? ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स होते हैं, है ना, ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स होते हैं उनका चैनल नेम जो होता है उनके काम के आधार पर होता है। ठीक है, बहुत ही कम ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जिनके चैनल का नाम उनके नाम पर होता है। ठीक है, लेकिन अब इस बात का निश्चय आपको करना है कि आपको यूट्यूब चैनल का नाम अपने नाम पर रखना है या फिर अपने काम के नाम पर करना है रखना है। ठीक है, अब हम पांच पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं और ये आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी देंगे। ठीक है, रेडी? चलिए नोट्स बनाते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है कि आपका जो YouTube चैनल का नाम है वो शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, छोटा क्यों होना चाहिए? छोटा इसलिए होना चाहिए कि बोलने में और किसी को बताने में सहूलियत हो, है ना, आसान हो, तो वो छोटा होना चाहिए। नंबर दो, आपका जो चैनल का नाम है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा नाम होना चाहिए जो कि यूट्यूब पे एग्जिस्ट ही ना करता हो, अगर करता भी हो तो वो चैनल जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे, मान लेते हैं कि आपने अभी विचार किया, आपने सोचा, आपने निश्चय कर लिया कि आप अपने YouTube चैनल का नाम ये रखना चाहते हैं, ठीक है, ABC रखना चाहते हैं, और जब कोई और ABC को टाइप करेगा वहाँ पे YouTube पे जाके सर्च में, तो किसी और का चैनल अगर ABCD नाम से वहाँ पे आ रहा है ना, और उसके ढेर सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा लाइकलीहुड है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके चैनल को देखने के बजाय आपका जो ट्रैफिक है, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, वो दूसरे के चैनल पे रूट हो जाएगा। आप नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो, है ना? तो आपका जो चैनल नेम है वो यूनिक होना चाहिए। कैसे पता पड़ेगा आपका चैनल नेम यूनिक है? अभी मैंने बताया कि आपको सर्च पे जाना है, जो भी आपने सोचा कि आप अपने चैनल का ये नाम रखना चाहते हैं, YouTube सर्च में जाएं और वहां जाके उस नाम को टाइप करें। पहला पैरामीटर था शॉर्ट होना चाहिए, तो उस शॉर्ट नेम को वहां जाके आप टाइप करें और एंटर करके देखें, सर्च करके देखें कि क्या उसी नाम का किसी और का भी चैनल है। ठीक है, देखिए, मेरे YouTube चैनल का नाम क्या है, ब्रिजनरी, बड़ा ही यूनिक है, ठीक है ना, बहुत ही यूनिक है और छोटा भी है, तो याद करने में भी आसान है और किसी को बताने में भी आसान है और छोटा भी है। ठीक है, तो पहला हो गया वो शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए आपके चैनल का नाम, दूसरा हो गया वो यूनिक होना चाहिए कि कोई और उसको यूज ना कर रहा हो। ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री, आपका जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो ना प्रोनाउंस करने में, कहने में, बोलने में इजी होना चाहिए। जैसे मेरे चैनल का नाम है ब्रिजनरी, कई बार लोगों को पहली बार में उसको प्रोनंसिएट करना थोड़ा सा ना डिफिकल्ट भी लगता है,
लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में वो कह देते हैं सही ब्रिजनरी, जब मैं उन्हें ऐसे कहता हूँ ब्रिजनरी, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब चैनल है ब्रिजनरी, ये ब्रिजनरी मुझे लोग, जब मैं अपनी इंडस्ट्री में पहली बार उतरा था तो मैं इस नाम से जाना गया, क्योंकि ब्रिज पुल है ना, और ब्रिजनरी विजनरी, ठीक है। तो वो लोग जो कि अपनी कंपनी को, अपने यूट्यूब चैनल को, अपने बिजनेस को एक एक गोल के साथ आगे बढ़ाना चाहते थे, ठीक है, एक एग्जिस्टिंग स्टेट से किसी फ्यूचर स्टेट तक उसको एक्सपैंड या उसको बड़ा करना चाहते थे, उन पॉइंट्स के बीच में मैं उनको उनके ब्रिजेस बिल्ड करता था, जितने भी गैप्स होते थे उनको ब्रिज बिल्ड करता था उनके लिए। तो मैं जाना गया ब्रिजनरी नाम से, तो इंटरनेशनली लोग मुझे ब्रिजनरी नाम से जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से मेरा नाम ब्रिजनरी पड़ा, मतलब मेरी ब्रांड का नाम ब्रिजनरी पड़ा, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी ब्रिजनरी रख लिया, अपने लैंडिंग पेज का नाम भी मैंने यही रखा ब्रिजनरी.com, अपनी वेबसाइट का नाम भी यही रखा ब्रिजनरीमूवमेंट.com, है ना। आप गूगल पे यदि टाइप करेंगे इस वर्ड को ब्रिजनरी को, तो आपको मैं ही वहाँ पे सबसे पहले नज़र आऊँगा। यूजुअली ये होता है कि गूगल के पहले पेज पे ज़्यादातर लिस्टिंग मेरी ही होती है, ठीक है। तो इस तरीके का यूनिक नेम आपका कुछ होना चाहिए, ठीक है, और वो प्रोनाउंस करने में भी इजी होना चाहिए। तो हमने तीन पॉइंट्स कवर कर लिए, शॉर्ट, यूनिक, इजी टू प्रोनाउंस। चौथा आता है इजी टू रिमेम्बर, ठीक है, याद रखना इजी हो। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ब्रिजनरी जो है, ब्रिज और विजनरी इन दोनों शब्दों के मिश्रण से बना है, तो अब क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया तो आपको अब याद करने में इजी हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आपका भी जो यूट्यूब का चैनल नेम हो, आपका भी जो ब्रांड नेम हो, उसके पीछे कुछ स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है। स्टोरी ना भी हो तो कोई लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स दूंगा आपको अभी एक दो, जिससे ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए, चार पॉइंट्स हो गए। और पांचवा है कि आपका जो चैनल नेम है ना, वो या तो आपके नाम के आधार पर होना चाहिए अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, या फिर आपका जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप बात करते हैं, है ना, आपका वो आपके उस सब्जेक्ट को वो हाईलाइट करता हो, ठीक है जी। पांच पॉइंट्स लिख लिए आपने, ग्रेट। अब इन पांचों पे आपको काम करना है और अपना चैनल नेम एक डिसाइड करना है। अब मैं रेफरेंस के लिए ना, जिससे कि आपको मेरे ये पांच पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, मैं आपको दो चैनल्स के बारे में बताता हूँ, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख कर रखे हैं अभी उन चैनल्स की डिटेल्स, ठीक है। ये मेरे नोट्स हैं जिनको मैं रिफ़र करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक बच्चे के बारे में, बड़ा बच्चा है, ठीक है, मेरे ख्याल से उसकी उम्र, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त उसकी उम्र होगी 20-21 साल, 20-21 साल, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसका नाम है उज्जवल। पता है YouTube पे इसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? सुन के ही बहुत अच्छा लगता है, 32.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मतलब बहुत जल्दी ये 33 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, ठीक है जी। तो 32.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इसके इस चैनल में। अब इसके चैनल का नाम पता है क्या है? अगर आप चाहें तो इसका चैनल जाके देख सकते हैं। इसके चैनल का नाम है टेक्नो गेमर्स, स्पेल कर देता हूँ, TECHNO, सॉरी, हाँ, TECHNO, टेक्नो गेमर्स, GAMERZ, ठीक है। तो उज्जवल के चैनल पे आज के डेट में 32.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इसकी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, इसने अपने चैनल का नाम टेक्नो गेमर्स क्यों रखा, ठीक है। देखिए, जब ये स्कूल में पढ़ता था तो इसके पास ना एक मोबाइल फ़ोन हुआ करता था, और वो मोबाइल फ़ोन जो था, इसकी मम्मा पापा ने, इसकी फैमिली ने इसे दिया था कि भाई चलो फ़ोन कॉल्स अटेंड कर लो, राइट। और उसकी कोई जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि भाई सिर्फ काम चलाने के लिए फ़ोन दिया गया था। इस बच्चे को, उज्जवल को, गेम्स खेलने का बहुत शौक था, बहुत ही ज़्यादा शौक था, ही वॉज पैशनेट,
जुनून था इसको गेम्स खेलने का। तो अब मोबाइल फ़ोन में बच्चे 100-200 MB की गेम इंस्टॉल करके तो खेलते हैं उन्हें, ठीक है। इसने क्या किया, इसे लगा यार मोबाइल गेम्स में ना मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसको मोबाइल पे गेम्स खेलनी थी क्योंकि रिसोर्सेज और थे नहीं, लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। तो ये यूट्यूब पे गया और इसने वहाँ जाके ढूंढा कि मैं बड़ी बड़ी गेम्स को कैसे फ़ोन में इंस्टॉल करूँ, ठीक है। छोटी 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 टेक्निकल चीज़ें इसने पकड़ी, उन पे रिसर्च करी, कड़ी से कड़ी जोड़ी और उन गेम्स को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल किया। और इंस्टॉल करने के बाद जब इसने उन गेम्स को खेलना शुरू किया और सक्सेसफुली उन गेम्स को वो खेल पाया अपनी लो कॉन्फ़िगरेशन फ़ोन में, जो कि कंप्यूटर में गेम्स चलती हैं, तो इसके दोस्तों को जब इस बात के बारे में पता पड़ा तो वो ना बहुत इसकी बहुत प्रशंसा करी उन्होंने और ये भी बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे इसके बहुत सारे दोस्तों ने, जानने वालों ने, जिनको भी पता पड़ता था, जिस भी बच्चे को पता पड़ता था, वो इससे उज्ज्वल से पूछने की कोशिश करता था कि उज्ज्वल तूने ये कैसे किया यार, मुझे भी बता। तो ये कहता था भाई YouTube पे जाओ, वहाँ जाके वीडियोस देखो और तुम्हें समझ आ जाएगा। लेकिन बच्चे जब वीडियोस देखते थे, देखिए वही बात है कि आपका नज़रिया किसी चीज़ को देखने का अलग है, मेरा अलग है, किसी और का अलग है। तो उज्ज्वल का जो नज़रिया था ना चीज़ों को देखने का, वो डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को देखकर बहुत ही सिंपल मैनर में उनको एग्जीक्यूट करता था, ठीक है। ये उसकी आदत थी और क्योंकि वो गेम्स के लिए पैशनेट था, ये उसके अंदर स्किल था, इस स्किल को उसने जो था, इस स्किल के बेसिस पे उसने अपना फ़ोन में गेम्स को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि इसके दोस्तों ने इसे कहना शुरू किया यार तू कर लेता है, हमसे तो होता नहीं, राइट, तू ही कर दे प्लीज़। तो इसने क्या किया, इसने कहा यार अब मैं इतने सारे लोगों को बताने से अच्छा मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड कर देता हूँ। इसने ना वीडियोज़ रिकॉर्ड करके कि मैं कैसे किसी गेम को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करता हूँ, है ना, कंप्यूटर पे चलने वाली गेम को, इसने उस पर यूट्यूब पे वीडियोज़ बना के डालने शुरू कर दिए, ठीक है। कहानी बड़ी लंबी है लेकिन मोटिव जो इसका था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएँ कि कंप्यूटर पे चलने वाली गेम्स को हम मोबाइल पे कैसे चला सकते हैं, और वो भी लो कॉन्फ़िगरेशन मोबाइल फ़ोन्स पर, ठीक है। और इसी तरीके से इसकी यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई और देखिए आज कितने सब्सक्राइबर्स हैं, 32.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ये बच्चा कितने अच्छे पैसे अर्न कर रहा होगा, करियर बना लिया इसने अपना यूट्यूब पे, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं YouTube के चैनल का नाम क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको बताई इस बच्चे की स्टोरी क्योंकि इसका टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड था, है ना, ये टेक्निकली चीज़ों को देखता था और अपने टेक्निकल स्किल्स के बेसिस पे ये गेम्स को फोन्स में इंस्टॉल कर देता था, है ना। तो इसीलिए इसने अपने चैनल का नाम रखा टेक्नो गेमर्स। अब इस बच्चे के 3 और चैनल्स हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें इसे समझ आ गई ना कि चैनल का नाम क्या होना चाहिए, आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाहती है, ठीक है। तो इसने 3 और चैनल्स बनाए। एक चैनल है जहाँ पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करता है अपने खुद के नाम पे, तो उस चैनल का नाम है उज्ज्वल, ठीक है, सिर्फ उज्ज्वल। और उस चैनल पर इसके 9.24 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उसके बाद है उज्ज्वल शॉर्ट्स, ठीक है, जहाँ पर ये अप टू 59 सेकेंड्स के शॉर्ट्स अपलोड किया करता है और वहाँ पे इसके सब्सक्राइबर्स हैं 4.44 मिलियन। उसके बाद इसका एक और चैनल है जिसका नाम इसने रखा है टेक्नो, वहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करता है, तो वहाँ पे इसके सब्सक्राइबर्स हैं 1.35 मिलियन, ठीक है। तो अब आपको समझ आ रहा है कि कैसे आपके चैनल का जो नाम है वो क्राउड को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। देखिए जितने भी इसके चैनल के नाम हैं वो उन 5 लॉज के ऊपर डिफाइन हो रहे हैं, और जो बेसिक क्राइटेरिया था कि क्या आप अपना चैनल अपने खुद की पर्सनल ब्रांड रेज करने के लिए करना चाहते हैं, तो उज्ज्वल ने किया, उज्ज्वल ने अपने नाम का एक चैनल शुरू कर लिया। हो सकता है कि आप आज अपने नाम का चैनल ना शुरू करें बट कल को जब आप एक फेमस यूट्यूबर बन जाएं तब आप अपने खुद के नाम का एक यूट्यूब चैनल भी शुरू करना चाहें, ठीक है। अच्छा तो ये तो उज्ज्वल की कहानी थी, एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। अगले एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ जो नए नए यूट्यूबर्स होते हैं, है ना, जिन्होंने अभी मोनेटाइज किया ही होता है और वो समझ रहे होते हैं यूट्यूब के एल्गोरिदम को। कई बार उनका ये सवाल आता है मेरे पास कि
क्या हम अपने चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं? कहीं हमारे एग्जिस्टिंग जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तो नहीं छूट जाएंगे अगर हम अपने चैनल का नाम चेंज कर लेंगे? इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप चैनल का नाम स्विच करते हैं, चेंज करते हैं, तो उससे आपकी ऑडियंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते कुछ टर्म्स हैं जिनको आपने फुलफिल कर लिया, ठीक है? और आपको बस अपने ऑडियंस को ये बताना है कि भाई मैं अपने चैनल का नाम चेंज करने जा रहा हूँ, मैं वही हूँ, बस मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो नया नाम जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ये मेरे चैनल के लिए ज़्यादा एप्ट होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ये मेरे चैनल को एक प्रॉपर दिशा देगा, ठीक है? तो चैनल नेम आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? कुछ लिमिटेशंस होती हैं उस पे, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब मैं आपके साथ दूसरा एग्जांपल शेयर करता हूँ, ठीक है? इस दूसरे एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा इस इंसान ने अपने चैनल को, अपने चैनल का नाम चेंज किया, ठीक है? बताता हूँ। आपने या आपके घर पे किसी बच्चे ने क्रेजी XYZ का नाम सुना होगा, सुना? क्रेजी XYZ, इस इंसान का नाम है अमित शर्मा, ठीक है? देखिए, मैं भी राजस्थान में हूँ इस वक्त और अमित शर्मा भी राजस्थान में है। मैं भी अलवर डिस्ट्रिक्ट में हूँ और अमित शर्मा भी अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन मैं अमित को नहीं जानता, ठीक है? अमित भी मुझे नहीं जानता होगा, लेकिन ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि हम दोनों सेम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अमित की स्टोरी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और इससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है अपनी यूट्यूब जर्नी को एक सही दिशा देने की, ठीक है? तो अमित के साथ क्या हुआ, अमित ने IIT करी, ठीक है जी? पढ़ने में अमित वॉज अ ग्रेट गाई, ठीक है? अमित पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा था, और लेकिन पता है अमित को YouTube पे अपने वीडियोस अपलोड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अब क्योंकि अमित का जो बेंट ऑफ माइंड हमेशा से रहा, वो रहा एक्सपेरिमेंट्स को लेकर, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स को लेकर, तो अमित ने जब अपने चैनल्स को शुरू किया, स्टोरी तो बहुत लंबी है, बस आज नाम से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो अमित ने जब अपने चैनल की शुरुआत करी, जो चैनल आज भी एग्जिस्ट करता है, उस चैनल का नाम अमित ने शुरुआत में रखा प्रयोगशाला, ठीक है? क्या नाम रखा? प्रयोगशाला, क्योंकि अमित को साइंस के प्रयोग करना बड़े पसंद थे, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद था। लेकिन क्या हुआ, जब अमित ने ये प्रयोगों से रिलेटेड अपने वीडियोस को YouTube पे अपलोड करना शुरू किया, तो अमित को जो व्यूज़ आते थे ना अपने चैनल पे, 6-8 महीने तक वो व्यूज़ आते थे, कभी 100 भी नहीं पहुंच पाते थे, कभी कभार 200 पहुंच जाते थे, बहुत ही रेयर होता था कि वो एक अच्छे नंबर का व्यू अमित को मिल जाए उस चैनल पे। एक दो बार अमित ने नोटिस किया कि जब अमित ने अपने चैनल पर प्रयोग ना डाल के तो स्पोर्ट्स के कुछ वीडियोस डाले, वो अचानक से वायरल हो गए। अमित को समझ आया कि अमित की ऑडियंस को प्रयोगों से ज़्यादा पसंद है स्पोर्ट्स देखना, ठीक है, स्पोर्ट्स के वीडियोस देखना। तो अमित ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के लिए और स्पोर्ट्स के वीडियोस डालने शुरू करे, और अमित ने पाया कि जो अमित की ऑडियंस थी, उन्होंने उन स्पोर्ट्स के वीडियोस को बहुत ज़्यादा सराहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलने लगे, सब्सक्राइबर्स गेन होने लगे। तो अमित ने ना धीरे धीरे वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स के, प्रयोगों के वीडियोस डालने बंद कर दिए और स्पोर्ट्स के वीडियोस डालने ज़्यादा कर दिए, ठीक है? तो प्रयोगशाला से अमित ने उस चैनल का नाम कर दिया स्पोर्ट्सशाला, ठीक है? इस तरीके से अमित के उस चैनल का नाम पड़ गया स्पोर्ट्सशाला। हमने अमित को आज इंट्रोड्यूस किया क्रेजी XYZ नाम से, क्योंकि दुनिया अमित को क्रेजी XYZ नाम से जानती है, बिकॉज अमित अपनी फील्ड में इन्होंने महारत हासिल कर ली है। ये जोश टॉक्स पर आए हैं, ये संदीप महेश्वरी जी के शो पर आए हैं, है ना, बच्चा बच्चा इनको जानता है, और बहुत ही एंगेजिंग, बहुत ही प्यारे साइंस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं अमित, ठीक है? तो अमित ने
उसके बाद अब अमित को एक्सपेरिमेंट्स करने का तो बहुत ज़्यादा शौक था, तो अमित ने सोचा यार मैं क्या करूँ, मतलब लोग तो स्पोर्ट्स पसंद कर रहे हैं बट मेरा जो पैशन है वो तो साइंस में है। तो अमित ने बहुत ज़्यादा सोचने के बाद एक चैनल की शुरुआत करी, उस चैनल का नाम अमित ने रखा ब्लेड, ब्लेड XYZ। ठीक है, तो अमित ने क्या सोचा कि भाई एक ब्लेड ब्लेड से ना, या फिर किसी भी तरीके के ब्लेड से, फिर चाहे वो आरी हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे कोई भी एक ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिससे कि किसी भी चीज़ को काटा जा सके। तो अमित ने ब्लेड XYZ नाम से एक चैनल शुरू किया जिसमें कि अमित ने किसी भी चीज़ को काटना शुरू कर दिया, जैसे कि लेदर की बॉल को काट दिया और दिखाना शुरू किया, देखो दोस्तों लेदर की बॉल के अंदर क्या क्या होता है, बिजली के मीटर को काट दिया, देखो दोस्तों बिजली के मीटर के अंदर क्या क्या होता है, फ़ोन को काट दिया, देखो दोस्तों फ़ोन के अंदर क्या होता है। तो चीज़ों को काटना शुरू कर दिया अमित ने, लेकिन धीरे धीरे अमित को लगा यार कितनी चीज़ें मैं काटूंगा, और जो ऑडियंस थी वो एक एक समय पे आके ना स्टेगनेंट सी हो गई। तो अमित ने कहा यार एक्सपेरिमेंट्स तो सिर्फ और सिर्फ जो है काट काट चीज़ों को काटने में नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स का जो है होराइजन है वो तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा वाइड है ना, उसमें तो कई सारे काम किए जा सकते हैं। तो अमित ने अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू करे, जैसे कि केमिकल्स के साथ, खाने पीने की चीज़ों के साथ, खिलौनों के साथ और वेस्ट मटेरियल के साथ, और कोई भी चीज़ जैसे कि फेविक्विक हो गई या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जो कि हम अपनी दिनचर्या में यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट हो गए, कुछ हो गया, ठीक है, उन सारी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया। और अमित ने अपने चैनल का नाम रख दिया ब्लेड XYZ से क्रेजी XYZ, और क्रेजी XYZ वो चैनल है जिसके आज 3.93 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? नहीं सॉरी, मैं गलत कह रहा हूँ, 26 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 26 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं क्रेजी XYZ के। अभी अमित ने इसी दौरान एक और चैनल शुरू किया था, उसका नाम था द इंडियन अनबॉक्सर। उसमें अमित क्या कर रहे थे, अमित उसमें किसी भी खिलौने का बॉक्स हो गया, पिचकारी का बॉक्स हो गया, पटाखों का बॉक्स हो गया, फ़ोन का बॉक्स हो गया, उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे थे। तो उसका नाम उन्होंने रख दिया था द इंडियन अनबॉक्सर। 3.93 मिलियन सब्सक्राइबर्स वहाँ पर भी हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि आपको अपने चैनल का नाम क्या रखना है। आप कुकिंग से रिलेटेड अपना चैनल का नाम रखना चाहते हैं, तो आप सोचिए कि कुकिंग से रिलेटेड क्या नाम रखो, ठीक है। किसी भी फील्ड में, जो भी फील्ड में आपका पैशन है, जहाँ पे आपका जुनून है, ठीक है, आपने वही चीज़ से रिलेटेड अपने वीडियोस भी बनाने हैं और उसी चीज़ से रिलेटेड आपने अपने चैनल का नाम भी रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो को अब हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। मैं चाहूँगा कि जब आप अपने चैनल का नाम डिसाइड कर लें, है ना, और अगर आपको कभी भी शंका होती है अपने उस चैनल के नाम पर, तो आप कमेंट सेक्शन में आके वो चैनल का नाम ज़रूर लिखें, ठीक है। और अगर चैनल का नाम रखते समय आपको तीन चार चैनल नेम्स में कन्फ्यूजन है, आपने ये सारे पांच के पांच पैरामीटर्स पे अपने चैनल को उतार के देख लिया और आपको दो तीन नाम जो है आपको पसंद आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसमें आपकी मदद करूं, आप कमेंट सेक्शन में आके लिखिए, ठीक है। और समय मिलते ही मैं जाके कमेंट सेक्शन देखूंगा नीचे और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन सा चैनल नेम मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपकी और मेरी ओपिनियन मैच ना करे, तो हम दूसरे व्यूअर्स का भी उसमें हिस्सेदारी मांग लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और भी वहाँ आके अपने चैनल का नाम लिखता है और आपके पास अगर टाइम होता है, तो मैं चाहूँगा कि आप भी वहाँ जाके अपना सपोर्ट उस इंसान को दें, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसे बताएं कि हाँ तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये निश है और तुम्हारा ये पैशन है और ये तुम इस पे उस पर एजुकेशन दोगे या फिर उस पर अपने लेक्चर्स दोगे या फिर रिव्यू करोगे या व्लॉग्स बनाओगे या ब्लॉग लिखोगे या कहानियाँ सुनाओगे, जो भी करोगे उसके बेसिस पे हाँ ये नाम सही लग रहा है या फिर ये होना चाहिए। इस तरीके की एंगेजमेंट अगर अगर आएगी ना नीचे कमेंट्स में, तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मेरा सपना जो है वो उसने एक शेप लेनी शुरू कर दी है, ठीक है। मैंने आज तक नहीं देखा किसी को कि YouTube पे आके कोई फ्री में आपको सिखा रहा हो कि YouTube चैनल कैसे बनाया जाए,
सॉरी यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाए ये तो बहुत लोग सिखाते हैं, बट ये छोटे छोटे जो बेसिक्स है ना ये कोई नहीं सिखाता, लोग पैसे चार्ज करते हैं। शुरुआत में मैंने भी ये सोचा था कि मैं भी पैसे चार्ज करूँगा, लेकिन कहानी कुछ ऐसी बनी कि मुझे लगा कि नहीं, आप में से कुछ लोगों को मेरी इतनी ज़रूरत है लेकिन आप पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते आज के डेट में, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि मैं फ्री में इसको आपके साथ शेयर करूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर नीचे एंगेजमेंट आएगी कमेंट्स में, ठीक है, तो आप भी वहाँ पे अपना योगदान देंगे, एक इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा, लोगों को लगेगा कि हाँ कोई जगह है जहाँ जाके हम एक गाइडेंस एक मार्गदर्शन ले सकते हैं किसी से, है ना, एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे आप और मैं मिलके, ठीक है। चलिए तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने नोट्स पूरे लिखिए और अपने चैनल का नाम डिसाइड कीजिए। ओके प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।